नमस्कार किसान साथियों, सफेद सोने की खेती अर्थात कपास नरमा की खेती करने वाले किसान अक्सर शुरू से ही छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उत्पादन में गिरावट आ जाती है। किसान साथियों, कृषि विशेषज्ञ के अनुसार किसानों को कपास की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए बिजाई के समय का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। साथियों, अच्छी पैदावार लेने के लिए 15 मई से पहले आप बिजाई करना फायदेमंद रहता है। इसके बाद दिनों-दिन देरी करने से पैदावार में कमी आ जाती है। दूसरा साथियों, जमीन व पानी के अनुसार बीज का चयन करें। बीटी कॉटन की कुछ किस्में हल्के पानी व हल्की मिट्टी में अच्छी पैदावार देती हैं, तो कुछ किस्में भारी व मध्यम मिट्टी में अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। जैसे साथियों, रांची की RCH 773 किस्म मध्यम व भारी मिट्टी में अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। वहीं रांची की ही RCH 776 किस्म हल्की मध्यम मिट्टी में अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। साथियों, उचित समय यानी 15 मई से पहले बिजाई के साथ साथ कुछ अन्य जरूरी बातों जो उनका ध्यान रखकर किसान कॉटन क्रॉप से बम्पर पैदावार ले सकता है। तो आइए किसान साथियों, जानते हैं कपास की खेती की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। साथियों, नरमा कपास की बिजाई से पहले खेत तैयार करते समय सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, फिर कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद दो बार पानी लगाएं ताकि उचित नमी की मात्रा बनी रहे। इससे न केवल अंकुरण बेहतर होगा और तापमान बढ़ने की स्थिति में पौधे जलने की समस्या भी नहीं आएगी। साथियों, संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग जरूर करें। नरमे में पोटाश बहुत ही जरूरी होता है, किसान इस ओर ध्यान नहीं देता है। अतः साथियों, आप 45 किलो यूरिया, 25 किलो पोटाश, 10 किलो जिंक सल्फेट और प्रति एकड़ उपयोग में लेवें। किसान साथियों, खेत में पौधों की संख्या एक समान रखें। ऐसा न हो कि खेत में कहीं ज्यादा पौधे हो और कहीं न के बराबर हो। अतः साथियों, एक एकड़ में नरमे की 5400 से 5500 पौधे होना जरूरी है। साथियों, पहला पानी जितना हो सके देरी से दें, इससे पौधों की जड़ अधिक गहराई तक जाएगी। उसकी जड़ जितनी गहरी होगी, पौधा उतना ही अच्छे से बढ़वार लेगा। पानी देने के समय पहचान करने के लिए साथियों, सुबह खेत में जाकर देखने पर पौधे मुरझाए हुए मिले तो आप पानी लगा सकते हैं। तो साथियों, इन बातों का ध्यान रख करके आप कपास की खेती से बम्पर मुनाफा ले सकते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।